क्लास में गुड मॉर्निंग नहीं बोलना गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर इज 23, न्यू चैप्टर। गुड मॉर्निंग शौर्य, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 इट इज मैप, सो यू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई विल रीड दिस चैप्टर। यस राज सिंह। It is on page number 23. Okay, so you are very well aware about maps, right? Maps अभी ने देखा होगा आपके school buildings में भी बड़े-बड़े posters हैं map के, okay? और आपने भी science में, social science में कई बार maps use किए होंगे, history में भी हम कई सारे maps देखते हैं। So you all are very well aware about maps. So this chapter is about maps. किस तरह से मैप बनाया जाता है, कौन बनाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, दीस थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। ओके, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। तो लास्ट जो चैप्टर था हमारा, सॉरी लास्ट टू लास्ट चैप्टर, चैप्टर 2 दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्लोब्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं और ग्लोब्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब कि उसके डिसएडवांटेज या फिर जो चीजें हम लिमिटेड वे में ही हमें ग्लोब से पता चल सकती, तो इन सब के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। नाउ कमेंट में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्लोब के। सबसे पहले एडवांटेजेस, ओके, यस टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। यस अक्षया मैम, दैट इज टू डिफर डे एंड नाइट एंड टाइम। आई एम आस्किंग अबाउट ग्लोब। ग्लोब देखा ना, मॉडल जो होता है अर्थ का मॉडल, उसके बारे में। ओके मैम। यस मैम, वी कैन सी द वर्ल्ड इजीली इन द 2 seconds। यस, वेरी गुड अक्षया, वी कैन सी ऑल द वर्ल्ड इजीली। ओके, दिस मेक्स अस ट्रैवल द होल वर्ल्ड। ओके, कैन फाइंड द वेयर इज व्हिच कंट्री। ओके, लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। इजी टू डिफरेंशिएट ईच कंट्री cities time। okay, okay Akshya, now the Jyoti saying it is screen present mat karo। Divjot aapne likha hai it is, it can be easily carried, so is chapter mein hum globe aur maps ke bare mein padhenge, to maps ko easily carry kar sakte hain ya globe ko। It is easy to carry maps with us, right? Yes, ma'am. It is easy to carry the map of planet Earth. Yes, very potential country. Okay, okay. So many students have given the answers. Discuss free night. Check my answer also. Khushi Malik, where is your answer? Okay, ma'am, please. From globe, we can know about world. Okay, very good, Khushi. Yes. So there are so many advantages of globe. सबसे पहला हम ये कह सकते हैं advantages। मैम, हमें ये नोटबुक में लिखना है। Please unmute yourself, everyone. Nobody will unmute। माला वर्मा, माइक बंद रखिए अपना। मैम, हमें इसको कॉपी में लिखना है। लिखना है तो नोट डाउन करना होगा, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज इज
latitude. And latitude, yes. Okay, so हम globe में easily longitude और latitude को देख सकते हैं. No, we can easily differentiate the time. आप rough notebook में note down कर सकते हैं for your convenience. Notebook में लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, next is it also shows us the landmass and the water bodies. हम जब globe को देखते हैं तो globe पे हमें कुछ colors नजर आते हैं. Blue color which represent the water bodies, brown color which represent the land land portion of the earth. Okay, तो यानी कि हम globe में land जो landmass है और जो water bodies है उनको भी easily differentiate कर सकते हैं. Okay, next is जो सभी ने बताया मुझे we can easily see or we have quick access to the 3D view of the earth. हम 3D view देख सकते हैं पूरे world को हम rotate करके आसानी से globe में देख सकते हैं. So these are some advantages of globe. Okay, no pencil अभी मैंने बताया आपको notebook में नहीं लिखना है. Next is what are the limitations of globe? क्या है ग्लोब की, क्या चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते या जो यूजफुल नहीं है जिसमें हम ग्लोब की हेल्प नहीं ले सकते. लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, एनीवन? मैम वी कैन नॉट रोटेट अराउंड द ग्लोब सन. तो अच्छा करेक्ट योर सेंटेंस फर्स्ट. Yes, the joke, correct one. We cannot see a small part of the earth. Or, या फिर ये कहें कि हम जो globe है, इसमें states को, districts को, distinguish नहीं कर सकते, right? हम वहाँ पे countries हमें दिखेंगी, continents दिखेंगे हमें, but हम उसका जो detailed portion है, वो visible नहीं है. Okay, अगर हम ग्लोब में राजस्थान को लोकेट करना चाहें, राजस्थान में हम चित्तौड़ को लोकेट करना चाहें, तो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट पॉसिबल. यस लाइक डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड दिपजोत. ओके एंड नेक्स्ट वन, इट डज नॉट शो द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस. कोई भी दो लोकेशंस के बीच पे एक्यूरेट डिस्टेंस शो नहीं करता है. यस वेरी गुड खुशी मलिक. Yes, Kriti. Correct one. Yes, so these are some limitations of globe. और एक limitation आप ये भी लिख सकते हो, it cannot be carried easily. इसको easily carry नहीं कर सकते हैं, जबकि maps को हम easily carry कर सकते हैं. Okay, so these are some advantages and limitations of globe. Next, a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. yani ye advantage hai globe ka, jab hum puri earth ko ek sath padhna chahte hain tab hum globe ka use kar sakte hain. Students please pay attention to your mics. aapke mics on ho jate hain, aapko pata bhi nahi chalta hai. Good morning, ma'am. Very good morning, Vaishnavi. Please, कोई भी student mic on नहीं करेगा. Ma'am, कोई network issue था इसलिए मेरी class थोड़ी late join हुई. कोई बात नहीं, it's okay. Okay, so but when we want to study only a part of the earth as the power of countries, states, districts, towns and villages, it is a little help. यानी जब हम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं किसी स्मॉल पोर्शन की, लाइक किसी टाउन की, विलेज की, डिस्ट्रिक्ट की, तो वो उतना यूजफुल नहीं होता है. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So map basically क्या है? एक representation है या एक drawing है earth की surface की. और किस पे? एक piece of paper पे हम सिर्फ draw कर देते हैं. Okay, this is what map is. Okay, so first of all we will write the definition of map. Open your notebooks. Write today's date, name of the topic, and start writing. Map.
My board is not clear. Yes, this is the definition for map. Please note it down in your notebooks. Noted, ma'am. कोई नहीं बोलेगा. अगर आपने नोट डाउन कर लिया, just show me your finger like this, thumbs up. I will recognize that you have completed. I'm reading the definition. Listen carefully. A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Here, the scale means map scale. Scale का मतलब है map scale. अब map scale क्या होता है? इसके बारे में भी हम discuss करेंगे. Okay? I hope you all have completed. Those who have not completed yet, please take a screenshot of it. Screenshot ले लीजिए फटाफट. Ma'am, there is a lot of echo in your voice. मेरी वॉइस में echo हो रहा है? No, ma'am, all is clear. Ma'am, all is clear. वो तुम्हारा तेरा नेटवर्क इशू होगा, वो नेटवर्क इशू होगा तेरा, ठीक हो जाएगा दो मिनट में. यस 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 ओके कंप्लीटेड, वेरी गुड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली बिकॉज आवर अर्थ इज राउंडिंग शेप, और राउंड शेप को कंप्लीटली फ्लैट करना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए क्या होता है, कुछ मैप जो होते हैं वो एक पूरी कंट्री को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ मैप जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, या तो अर्थ के किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर अर्थ के किसी स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पार्ट को मैप रिप्रेजेंट करेंगे. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. यानी कुछ maps ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही छोटा area represent किया जाता है, उसमें कुछ facts भी होते हैं. Like हमने history में भी maps देखे हैं, हमने देखा भीमबेटका का location दिखाई थी किस तरह से, ठीक है. यानी उस मैप ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया, क्या इंफॉर्मेशन दी, हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो थी एंशिएंट हिस्ट्री की उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मैप से मिली, ठीक है. व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट अनदर मैप मे कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन Atlas. Atlas is are of various sizes, measurements,
drawn on different scales. So atlas के बारे में भी आप जानते होंगे, जब बहुत सारे maps को एक book की form में collect कर लिया जाता है, then that is known as atlas. Okay? यानी उसमें कई सारे countries के, कई सारे states के, कई सारे districts के अलग अलग maps होंगे. यानी हम कह सकते हैं, जैसे collection of maps. Okay? In the form of a book, and that book is known as atlas. और एटलस में जो मैप्स होते हैं वो अलग अलग साइज के हैं, मेजरमेंट के हैं और डिफरेंट स्केल्स पर उनको ड्रॉ किया जाता है. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, दिस वन, मैप्स प्रोवाइड अस मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. ओके, मैप्स में हमें ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैप्स जो होते हैं काफी डिटेल्ड होते हैं, उसमें हम इजीली किसी भी स्पेस किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, एंड वी आल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस. ओके, सो दैट इज व्हाई मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. और भी कई सारी चीजें हैं जो मैप्स में अवेलेबल है बट ग्लोब्स में नहीं है. देयर आर ऑफ डिफरेंट They are of different types. That means maps are of different types. Some of them are described below. So you here you can see. First one is physical map. Now, what is physical map? The ma'am, disturbance हो रही है ईशान्स के माइक से. ईशान्स, अपना माइक ऑन करो. Disturbance हो रही है. ईशान, अगर अब आपका माइक ऑन हुआ तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी. मिस्टेक एक बार होती है, बार बार नहीं होती है. आप क्यों बार बार माइक को अनम्यूट कर रहे हो? यस, वेरी गुड दिपजोत. मैप्स में डायरेक्शन, सिंबल, डिस्टेंस, इन सबको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि ग्लोब में नहीं कर सकते हैं. Okay, so there are some different types of maps. First one is physical maps. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. Yani jo badi badi landscape hai, jo water bodies hai, inko jis map mein show kiya jata hai, that map is known as physical map. Yani earth ke physical features ko represent karne wale map ko hum kya kahenge? Physical map. Next one is political map. Map showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Yani aise map jinme choti choti details hai, like cities ko represent kiya hai, districts ko, towns ko, villages ko, aise maps ko hum kya kahenge? Political map. Next is thematic maps. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic maps. Yani kuch aise maps hote hain jo ki kuch specific information pahunchate hain. Like ek map hai isme mountain ranges dikhai gaye hain ki Himalaya mountains yahan pe hai, Himalayan mountains range yahan pe hai. Okay, ek map aisa hai jahan pe vegetation show ki jati hai. Okay, ki kahan pe rainforest hai, kahan pe mangroves hai. Is tarah ki jo details yani specific information ek particular map mein jo di jati hai, that is known as thematic maps. Now, I will show you these three types of map. किस तरह के maps होते हैं ये? Ma'am, can you explain us physical map again? Can you explain ma'am, this please map again? Explain the physical map again. Yes, ma'am. Okay, just wait for a moment. Here you can see this. Physical map or thematic map same होता है क्या? नहीं बेटा, देखो पहले आपकी स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है, जहाँ पे आप स्टेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, स्टेट्स की बाउंड्रीज नहीं मेंशन्ड है. ओके, यानी यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री को डिनोट किया गया है, एक कंट्री रिप्रेजेंट की गई है. दिस इज बेसिकली अ फिजिकल मैप, बट इसमें कुछ प्लेन्स और माउंटेन्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे मैप्स होते हैं फिजिकल मैप्स. ओके, नेक्स्ट. Here it is political map.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टाउन्स स्टेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लैंक मैप है इसीलिए आप इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है। आप गूगल पे भी देख सकते हो कि पॉलिटिकल मैप कैसे होते हैं अदर कंट्रीज के। ओके सो दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल मैप, अभी निकाल के देखा था। नेक्स्ट थीमेटिक मैप, दिस इज थीमेटिक मैप, ये कुछ लैंडस्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर क्या डिनोट करता है, पिंक कलर, येलो कलर, ये सब डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? ओके सो देखो वापस से समझेंगे सभी बच्चे फिजिकल मैप क्या है। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। ओके फिजिकल मैप क्या होगा, किसी भी कंट्री का कोई मैप है जिसमें आपको कुछ सिर्फ प्लैट्यूज एकदम जो माउंटेन्स होते हैं उनकी डिटेलिंग हो, दैट इज फिजिकल मैप। किसका माइकॉन है, किसका माइकॉन है? Please don't unmute yourself. Yes, there are three types of maps. First one is physical map. Okay. हाँ ना अपना माइक ऑफ कर ले। Next one is political map. Political map में क्या होंगे? यहाँ पे आपको आप easily towns, cities, districts को क्या कर सकते हो? Represent कर सकते हो। यानी इनकी details हमें मिलेगी। कौन से map में? Political map. Next is third one is thematic map. Thematic maps होते हैं किसी particular चीज की information हमें provide करेंगे। Just suppose India में कहाँ पर कौन सी mountain ranges located है, मुकुंदरा hills कहाँ पे है, अरावली hills कहाँ है, शिवालिक hills कहाँ है, तो एक particular map जो है इसमें सिर्फ mountains के बारे में बताया जाए, ठीक है? और एक दूसरा मैप है इसमें सिर्फ रिवर्स के बारे में बताया जाएगा कि रिवर्स गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है, यमुना रिवर कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ठीक है? ये होते हैं थीमेटिक मैप्स, यानी एक पर्टिकुलर मैप एक ही किसी भी फिजिकल फीचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अंडरस्टूड? आपने बहुत सारे कलरफुल मैप देखे होंगे जिसमें ऐसा होता है जहाँ पे रेड कलर जो है वो डेंजर जोन है, ऑरेंज कलर जो है वो थोड़ा कम डेंजरस है, ठीक है? तो इस तरह से कलरफुल होते हैं और ये कलर्स क्या डिनोट करते हैं ये भी इन मैप में मेंशन होता है। ओके सो आफ्टर मैप्स राइट डाउन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। No Divjot, no need to show physical map. I have already shown everybody. अभी आप जैसे higher classes में जाओगे तो आपको maps use करने पड़ेंगे। Ma'am, physical features तो physical map में आना चाहिए। Physical features physical map में आता है कृति सोयल, but वो सारा segregate होता है। एक ही map में आपको mountains, rivers सब कुछ दिखेगा। जबकि thematic map जो है वो एक ही particular physical feature के लिए। ओके मैम। गुंजन अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। गुंजन सेन अपना माइक बंद रखिए। मैम आपने टाइप्स ऑफ मैप में लिखा है जो ना मैप आपने गलत लिखा है। टाइप्स ऑफ मैप में क्या लिखा है?
ईशान जाट क्या बोलना चाह रहा है बेटा, प्लीज रिपीट। मैम टाइप्स ऑफ मैप ना आपने जो हेडिंग डाली है उसमें मैप गलत है। कैसे लिखेंगे बेटा मैप्स? लाइन आपको रॉन्ग लग रही होगी ना अभी? ठीक है ईशान? यस मैम, यस मैम। एक्चुअली मैंने लॉक किया था बट आपको शो नहीं हुआ। नेचुरल फीचर्स अभी मैंने क्या बताया था बेटा, कंप्लीटेड और डन मैप नहीं बोलना है। जस्ट शो मी योर थम्स अप। वेरी गुड शौर्य, सिद्धिका ओके, गुंजन सैन सिट प्रॉपरली, अपना कैमरा स्टेबल रखो बेटा। Take a screenshot. After that, we will move to the next one. Next type of map. Very good, Karishma, Ahana, Justin. Completed? Next type of map is political map. Political.
तो बेसिकली पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, किसी भी स्टेट सिटी या विलेज की बाउंड्रीज मेंशन होती है। ओके, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्लेस। very good, those who have completed. Okay. Coming to the next type of maps, thematic maps. Ma'am, 2 minutes. Yes. Yes, ma'am. Okay. Then, ma'am. Now, third type of maps. Distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Okay?